आज मणिपुर की हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ये लोग आज भी 3 महीने से शिविर में हैं, कब तक रहेंगे? हालात बहुत खराब है जी, यहाँ की सरकार की कंप्लीट फेल्यूर है। प्रधानमंत्री मणिपुर में गायब क्यों? रक्षा मंत्री मणिपुर में गायब क्यों? मैं तो सीधे कह रहा हूँ, लिमिटेड पीरियड के लिए राष्ट्रपति शासन लगाइए, रिश्तों को बेहतर करिए, फिर आगे देखिए। की पॉइंट यही है कि मणिपुर को अनदेखी किए गए हैं। सूबे की सरकार, केंद्र की सरकार बिल्कुल अनदेखी करने के चलते आज मणिपुर की हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जल्द से जल्द यहाँ शांति बहाल हो, सौहार्द को फिर दोबारा वापस लानी हो, सौहार्द बनाए रखना जरूरी है, और खासकर पीस, हारमोनी एंड जस्टिस इसको बनाए रखने का काफ़ी जरूरी है, ये मैं समझता हूँ। और हम गवर्नर साहब को यही मांग करूँगा कि हर संभव प्रयास शुरू कर दीजिए, हर पहल अब शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मल सी मतलब सामान्य स्थिति बहाल हो, यही हमारा मांग है। नहीं, ऐसा नहीं, रेजिग्नेशन की मांग नहीं, हम लोग ये फेल्योर तो बताया जी, यहाँ की सरकार की कंप्लीट फेल्योर है, ये फेल्योर है यहाँ की सरकार की, केंद्र सरकार की सारे फेल्योर है, सारे गलती के चलते आज मणिपुर की ये हालात हुई है। ये कांग्रेस शुरू से मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगते रही है, इसका मतलब तो ही है, इसका मतलब तो ही है ना कि यहाँ फेल, कौन फेल कर रहे हैं? सूबे की सरकार। हम कहते कि इफेक्टिव मेजर लिया करो, मतलब तो ही होते हैं। समाधान तो सबको बैठ के निकालना होगा, हालात बहुत खराब है। आपके देश का एक हिस्सा जहां समुदायों के बीच में अविश्वास का जहर बो दिया गया है, उस जहर की काट में तो मेहनत करनी होगी। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि बहुत संजीदगी से दोनों तीनों पक्षों ने अपनी बात रखी, स्टूडेंट्स ने रखी, कुकी ग्रुप्स ने रखी, माइती ग्रुप्स ने रखी, और कहीं भी ऐसा नहीं है, वो सब अपने रिश्तों के अच्छे दिनों को भी याद करते हैं। अभी भी कितने माइतियों ने कुकी की रक्षा की, कितने कुकी समुदाय के लोगों ने माइती की रक्षा की, ये हमारी सरकार के लिए आधार होना चाहिए कि रिश्तों को फिर से, मैं समझता हूँ कि उसको और पुख्ता करें, उसको और मजबूत करें। सीएम पर आप लोगों का सवाल शुरू से रहा है, गवर्नर से सीएम पर सिर्फ सवाल हमारा नहीं रहा, माफी के साथ कहते हैं आपसे, सीएम पर सवाल सबका है, मैथिली समुदाय का भी है, कुकी का भी है, नागा का भी है। ये पूरे के पूरे चीफ मिनिस्टर साहब शायद अपने बंगले के बाहर के चीफ मिनिस्टर नहीं है। नहीं, मैंने तो कह दिया कि जिस आदमी के अंदर कोई दम ही ना हो, अब तो निर्णय यूनियन गवर्नमेंट को लेना है। आप लिमिटेड पीरियड के लिए करिए, लेकिन लोग चाह रहे हैं रेस्टोरेशन ऑफ पीस एंड जस्टिस, जो इनके रहते नहीं हो सके। मैं तो अब इससे ज्यादा क्या कहूँ, इनके रहते संभव नहीं है, सीएम के रहते कि रेस्टोरेशन ऑफ पीस एंश्योरिंग जस्टिस हो पाए। मैं तो सीधे कह रहा हूँ, लिमिटेड पीरियड के लिए राष्ट्रपति शासन लगाइए, रिश्तों को बेहतर करिए, फिर आगे देखिए। देखिए, हम गवर्नर महोदया से मिलकर आग्रह करेंगे कि जिम्मेवारी वो ठीक करें। कौन जिम्मेवार? कोई बोलते है वो जिम्मेवार, कोई बोलता है वो जिम्मेवार। राज्य सरकार, केंद्र सरकार एक किसी और के तरफ उंगली दिखा रहे हैं, लेकिन खुद की जो जिम्मेवारी है वो कबूल नहीं करें, तो जिम्मेवारी ठीक करें। दूसरे बात, ये लोग आज भी 3 महीने से शिविर में हैं, कब तक रहेंगे? आज बच्चों का जन्म शिविर में हो रहा है, आज बच्चे आज स्कूल में नहीं जा पा रहे, तो कब तक ये परिस्थिति बनकर रहेगी? तो इसका एक रोड मैप हमको दें, ये हमारी प्राथमिक मांग है, तब जाके एक शांति का वातावरण मणिपुर में आएगा। ऑफिशियली सीएम का रिजिग्नेशन डिमांड करेंगे आप लोग या राष्ट्रपति शासन की? देखिए, हम तो जिम्मेवारी की बात कर रहे हैं, जिम्मेवारी ठीक किया जाए। केंद्र, आज इंडिया अलायंस आई है, प्रधानमंत्री मणिपुर में गायब क्यों? रक्षा मंत्री मणिपुर में गायब क्यों? विदेश मंत्री मणिपुर में गायब क्यों? महिला और बाल विकास मंत्री मणिपुर में गायब क्यों? पूरा प्रधानमंत्री क्या सिर्फ सरकारी उद्घाटन और राजनीतिक सभा में भाषण देने के लिए क्या उनको वोट मिला है? आपके मित्र मनोज झा ने कहा कि यूनियन गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना होगा, मतलब राष्ट्रपति शासन लगनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा मैंने नहीं सुना, पर केंद्र सरकार तो व्यर्थ है, केंद्र सरकार तो गायब है। केंद्र सरकार ने और उनके द्वारा जो राजनीति हुई है, आज मणिपुर के टुकड़े टुकड़े वो उन्होंने कर दिया है, लोग अलग अलग शिविर में रह रहे हैं,
ये उनकी डबल इंजन की जो गाड़ी है आज पटरी से गिरकर आज हजारों के तादाद के लोगों की जीवन उन्होंने नष्ट कर दी। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।